राम जी राम। राम राम। हनुमान जी यहाँ पे राम राम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल केले हैं। केले किस तरह से लगते हैं देखिए, इट्स वेरी अमेजिंग। और दूसरा मेरे को इसकी सुंदरता काफी अच्छी लगी। तो देखिए फूल की तरह है, पूरा कमल का फूल होता है वैसे है। प्यारे लग रहे हैं ये, मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे केले के बच्चे है ना। अभी बड़े होंगे तो केले बनेंगे, जिसको हम बनाना इंग्लिश में बोलते हैं, और केले ये है केले के बड़े बच्चे। जैसे सुबह उठा ना आज मॉर्निंग में, यहाँ पे मैंने सबसे पहले काम यही किया, इसको दुलार किया ऐसे, मतलब उनके खेतों में जब कंगी करे हवाएं। मैं कुत्ते के बिल्कुल करीब जाता नहीं हूँ, बहुत डर लगता है, लेकिन जापान के बिल्कुल करीब आ गया हूँ, क्योंकि अपनापन देखिए कैसे जापान, और नाम भी जापान है। ये चाय हमारा दोस्त लेके आया है, क्या नाम है बेटा आपका? इतने पे जो है आलू लगे हुए, देखिए आलू किस तरह उगते हैं, देखिए ये आपको थोड़ा सा आपको लाइव बता रहे हैं। देखिए जमीन के अंदर आलू होते हैं, ये देखिए, तो ये आलू बाहर आ गए, देखिए अभी निकाले इसको। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम हमारे खेत से, हमारे संजू भाई के खेत से। और आज के ब्लॉग में मैं आपको जानकारी दूंगा खेती बाड़ी की लाइफ कैसी होती है, खेत का जीवन कैसा होता है। और मैंने एक फैसला लिया है, वो फैसला क्या है, एक कठिन फैसला है, वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। राम राम। तो देखिए यहाँ पे हनुमान जी आ चुके हैं। हनुमान जी राम राम। तो हनुमान जी यहाँ पे राम राम कर रहे हैं। और ये जो वृक्ष देख रहे हैं, पत्ता है जो, ये केले का पत्ता है, इसमें लगे हुए हैं केले। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम केले से। तो हमारे गांव, हमारे खेत में जो केले लगे हुए, देखिए काफ़ी ब्यूटीफुल केले हैं, काफ़ी सुंदर और काफ़ी वेरी ब्यूटीफुल केले हैं। केले किस तरह से लगते हैं देखिए, इट्स वेरी अमेजिंग। और दूसरा मेरे को इसकी सुंदरता काफ़ी अच्छी लगी केले के वृक्ष की। देखिए मैं आपको बैक कैमरा करके एक बार पहले इसकी खूबसूरती दिखा देता हूँ। देखिए ये कुछ इस तरह का यह वृक्ष लगा हुआ है, दिस इज फॉर केला वृक्ष, बनाना वृक्ष। तो देखिए फूल की तरह है, पूरा कमल का फूल होता है वैसे है, ठीक है। और इसके अंदर से केले निकलते हैं, देखिए कैसा कुदरत का, मतलब जो करिश्मा देखिए ना, किस तरह से केले का निर्माण होता है। ये पूरा फूल जैसा बना हुआ है, इसके अंदर से केला, देखिए ये छोटे छोटे केले के बच्चे कितने प्यारे लग रहे हैं ना, ये मतलब छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे लग रहे हैं, छोटे छोटे केले के बच्चे है ना। अभी बड़े होंगे तो केले बनेंगे, जिसको हम बनाना इंग्लिश में बोलते हैं और केले बोलते हैं। ये देखिए इधर भी है, चारों तरफ है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और बताता हूँ, ये केले के बड़े बच्चे देखिए नंबर वाइज कैसे प्यारे लग रहे हैं ना। ये है केले के बड़े बच्चे। तो ये है कल्प वृक्ष यानी कि केले का पेड़। और फिर केले के बाद मैं बताता हूँ, ये है गायों के खाने के लिए रिचका होता है ना, रिचका बोलते हैं, रिचका होता है। इधर बेल लगी हुई है, ठीक है। और ये है हमारे गाय और जो होते हैं ना बैल वगैरह, उसको बांधने के लिए, ठीक है। अभी हमारे गौ माता से मिलवाते हैं आपको। खेत हमारा कितना प्यारा है देखिए दोस्तों, ये मैं हूँ और ये हमारे फ्रेंड संजू बाबा का खेत है, जिसमें गाय है, छोटे छोटे गाय का बच्चे है। चलो गौ माता के बछड़े से हम प्यार मोहब्बत प्रेम करते हैं। ये बछड़ा मुझे काफ़ी प्यारा लगता है, गौ माता है पीछे और ये बछड़ा है, जैसे ये गाय का बछड़ा हमारा। मतलब मैं जैसे सुबह उठा ना आज मॉर्निंग में, यहाँ पे मैंने सबसे पहले काम यही किया, इसको दुलार किया ऐसे, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैंने एक ये देखिए कितना प्यारा है ना, जय गौ माता की। चाय बनाएंगे क्या जी? चाय चाय बनाएंगे। यहाँ पे हमारे संजू बाबा भी आ चुके हैं, तो बोल रहे हैं चाय बनाएंगे क्या। तो संजू भाई और अभी हम गाय में चाय कैसे बनाते हैं, देसी तरीके से चूल्हे पे बनाएंगे ना, तो चूल्हे पे आज हम चाय बनाएंगे यहाँ पे खेत में। तो आज का वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन हम आपको हमारे खेत के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन देंगे कि कितनी मेहनत होती है किसान भाइयों को, तब जाके अन्न का जो है उत्पादन होता है, और आप जो शहरों में बैठ के जो भोजन का लाभ लेते हैं, वो भोजन किस तरह से, किस प्रोसेसिंग के माध्यम से आपके वहाँ तक पहुँच पाता है। एक अच्छी जानकारी मिलेगी और थोड़ा मजा भी आएगा कि लाइफ आर वेरी इंपॉर्टेंट, किसान की लाइफ क्या होती है, और मैंने जो फैसला लिया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा कि मैंने क्या फैसला लिया है, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, पहले हम बनाते चाय, आपको चाय पे फिर बात करेंगे, चाय पे चर्चा। तो ये हमारा बछड़ा है गाय का और ये गौ माता है, ठीक है। नहीं ये बैल है, ये बैल है, तो ये बैल है जो कि हल जोतने के वगैरह काम आता है। बैल के देखिए गले में जो है
इस तरह की घंटी जो बांधी जाती है। ये भाई साहब इधर से बोल रहे हैं, तो ये मुर्गा भी उड़ चुका है। सुबह उठती मतलब यहाँ पे अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती है, मुर्गा बोल देता है। देखिए तो यहाँ मुर्गा भी पाले हुए, 1, 2, 3 मुर्गे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे कुकड़ू मुर्गा। देखिए मुर्गा सबको उठाता है, लेकिन फिर भी इसको कट करके जो है लोग खा जाते हैं। बस 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 उठ गए हम भैया। हाँ उठ गए उठ गए। तो ये थी मुर्गी की बांग। उसके बाद देखिए ये गेहूँ लगे हुए यहाँ पे हमारे खेत में गेहूँ। एक फिल्म है स्वदेश शाहरुख खान की, उसमें जो है गाना है, मेरे देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है। गाना बहुत प्यारा है, हमारे देशभक्ति से जुड़ा। उसमें एक गाने के बोल हैं, गेहूं के खेतों में जब कंघी करे हवाएं, जैसे गेहूं के खेत इसमें जो हवा जो होती है, हवा जब लहलहाती है तो कंघी की तरह मतलब, गेहूं के खेतों में जब कंघी करे हवाएं, बहुत ही प्यारा मतलब फिल्म के अंदर जो है पूरा उसमें भी गांव का पूरा बताया गया है। तो देखिए ये एक तरह की कंघी चल रही है, देखिए कंघी लाइक दिस, गेहूं की फसल जो है लहलहाते ऐसे लहरा रही है ना, कितनी प्यारी और ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए थोड़ा जूम करके बताएंगे आपको, देखिए ये देखिए हवा का लहरा। अब देखिए ये देखिए भाई साहब कितना ब्यूटीफुल सीन कैप्चर हो रहा है यहाँ पर, मतलब मैं लाइव भी देख रहा हूँ और शूट भी कर रहा हूँ, मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा है और उम्मीद है कि आपको भी घर बैठे आनंद आ रहा होगा ये जो दृश्य देख करके। बहुत ही प्यारा बहुत ही ब्यूटीफुल। और ये है गेहूं जो कि आप बोलते हैं ना गेहूं का आटा, जो तो इस तरह से गेहूं का जो है गेहूं ऐसे लगता है पेड़ में, फिर इससे जो है गेहूं को। और फिर देखिए और चलिए अभी उधर से आवाज़ आ चुकी है चाय के, हम जाते हैं चाय पियेंगे और उसके बाद फिर आपको जो है संजीव भाई के साथ में पूरे खेत का वर्णन करेंगे क्या क्या है सारा बताएंगे। देखिए बैल है, बैल इस बैल का नाम क्या है संजीव भाई अपना? इसका बैल के नाम है श्याम। श्याम ये जो बैल आपने देखा इसका नाम श्याम रखा हुआ है। और ये गौ माता है, और ये गौ माता का छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा बछड़ा होता है। और ये हमारा आ गया है जापान। हेलो जापान, जापान कितना प्यारा है बेटा, ये जापान हमारा। जापान कैसा है बेटा? देखिए मुझे को इससे बहुत मजा आया। एक आप कहाँ गए थे, एक आगे खेत में कल शाम को गए, वो किसी भौंक रहा था ना वो कुत्ते से मेरे को, वैसे मेरे कुत्ते के बिल्कुल करीब जाता नहीं हूँ, बहुत डर लगता है, लेकिन जापान के बिल्कुल करीब आ गया हूँ क्योंकि अपनापन। देखिए कैसे जापान, नाम भी जापान है, चाइना नहीं है भैया, जापान है। तो इंडिया टू जापान, जापान के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, ईमानदारी वाले होते हैं और प्रेम भाव वाले होते हैं। तो ये हमारा जापानी कुत्ता है, डॉग डॉग बोलेंगे जापानी, तो बहुत प्यारा। इसको जो है खेत की रखवाली के लिए रखा गया है, जैसे हमारे संजू भैया वगैरह कभी बाहर जाते हैं ना तो कोई अननोन आदमी कोई बाहर का व्यक्ति या कोई जानवर ना घुसे तो उसको नहीं छोड़ता है, फिर अपनों को तो पहचान लेता है, लेकिन कोई बाहर का अगर आएगा गद्दारी करेगा तो उसको फिर हमारा जापान भैया है छोड़ेंगे नहीं भैया। हाँ एक मिनट यही थी गाँव मदी, और इसके भी एक मिनट का हेड़ो करा पहले मैं, ये घंटी बांधी हुई जापान जी, जापान करूँ ना जापान एक एक कर में विश कुंत। चलिए जापान से दुलार किया अभी, खेती कर रहे हैं ये जो जगह है यहाँ पे हम रात को हाथ सेंके थे। अरे जापान चल आ जाओ, कम 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 जापान जापान चलो चलो जापान। तो यहाँ पे चाय आ गई है, चाय हमारा दोस्त लेके आया है। क्या नाम है बेटा आपका? इग्नेश। पढ़ाई करते हो है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? तीसरी में पढ़ते हो? अच्छा एक मिनट में मैं थोड़ा सा मराठी सीख गया उसका। तुझे नाम क्या है? तुझे पापा चा नाम क्या है? तुझे मम्मी चा नाम क्या है? थोड़ा थोड़ा मैं मराठी सीख गया हूँ, उसका उपयोग मैंने कहा किया जाए मतलब है ना। मेरा मराठी कैसा लगा? तो ये बच्चा है चाय लेके आया, चलो अभी हम चाय पीते हैं। ये हमारे संजू भाई के भाई है, बड़े भाई है ना। हाँ। संजू भाई के बड़े भाई साहब हैं, ये इनका खेत है, वो संजू भाई का खेत था और ये हमारे संजू भाई के बड़े भाई साहब का खेत था। तो अभी हम चाय पीने के लिए इधर आए, तो यहाँ पे चाय बनाई थी। यहाँ पे देखिए फूल लगे हुए हैं, ये देखिए इस तरह के फूल लगे हुए हैं, इधर भी फूल लगे हुए हैं, और ये फूल लगे हुए जो कि मंदिर में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं चढ़ते हैं वो फूल। और ये बैल है जो यहाँ पे आराम कर रहे हैं,
और अभी हम जा रहे हैं आपको उधर उस तरफ, और ये बैल का जो है गाड़ी, बैल गाड़ी जो होती है वो भी यहाँ पे पड़ी है, और ये हाथ सेकने के लिए वगैरह, तापड़ी के लिए, तापड़ी के लिए आलू है, आलू तो यहाँ पे जो है आलू लगे हुए। देखिए आलू किस तरह उगते हैं, देखिए ये आपको थोड़ा सा आपको लाइव बता रहे हैं। देखिए जमीन के अंदर आलू होते हैं, ये देखिए, तो ये आलू बाहर आ गए, देखिए अभी निकाले इसको। तो आलू की जो है खेती इस तरह से होती है, अच्छा आलू में कितना समय लगता है, आलू जब बीज डालते हैं उसके बाद तैयार होने में, टोटल अढ़ाई महीने है ना, तो अढ़ाई महीने माने कि अढ़ाई महीने के अंदर जो है आलू की खेती जो है तैयार हो जाती है। ये सारे आलू लगे हुए यहाँ पे, यहाँ से लेकर के छेक वहाँ तक जो है पूरा आलू लगा हुआ, आलू हो।